अभी जो है हम लोग बरियारपुर आए हैं सरस्वती नगर, और अजय झा डॉक्टर अजय झा जी ने हमें कॉल किया है, तो चल कर देखते हैं सब कुछ। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ फोन किया और उसमें गया है भैया, यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है वन। हाँ हमारा देखते रहेंगे आपने देखे न बेजोर के नहीं ना देखता रहने ने भागते फन फैला रहा था। हाँ ये मैं पन्नी उठा था तो भीती नीचे सुख था ऊपर चल रही है। ठीक है दोस्तों, बता रही है कि इन्होंने देखा है सब वही बड़ा नहीं पकड़ी के लगल हाँ बगल से हाँ देखियो हथियार हाँ बगल से भागलो नहीं है। और छोटे साइज का ही है, बहुत बड़ा नहीं है। बस शांति बनाइए आप लोग, हम निकाल देते हैं अभी। तो देख पा रहे हैं ये कोबरा सांप, ये है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, देख रहे हैं आप, ये है कोबरा सांप जहरीला। इसका गुस्सा आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका गुस्से का लेवल क्या है, एग्रेशन लेवल काफी हाई होता है इस स्नेक का। देख रहे हैं दोस्तों यह कोबरा सांप है, गेहूमन सांप, और इसका गुस्सा आप देख पा रहे हैं कितना गुस्से में है, क्योंकि अभी यह थोड़ा सा धूप सेक चुका है, और देख रहे हैं कितना खड़ा हो रहा है यह सांप, अपनी लंबाई के आधा लगभग यह खड़ा हो गया है। हाँ बार बार बाइट लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी ठंड में जो है सांप जल्दी बाइट नहीं करते, ये सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा है। तो देख रहे हैं काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक जहरीला सांप होता है, इससे सावधान रहना चाहिए। देख पा रहे हैं कितना खड़ा हो रहा है यह सांप, तो देख रहे हैं दोस्तों यह सांप किस तरह से अपनी मूवमेंट कर रहा है। तो
हम बताते हैं कि सांप जो है हमेशा लोग बोलते हैं, समझते हैं कि बीन की आवाज़ सुन के, बीन के धुन पर जो है सांप नाचते हैं। तो हम बता देते हैं दोस्तों कि सांप बीन की धुन पर नहीं नाचते, सांपों का कान नहीं होता, सांप सुन नहीं सकते। और अभी क्या है कि सपेरे जो है बीन जो है इसके फेस के सामने हिलाते हैं, जिस कारण से जो है सांप बीन की हिलती हुई गतिविधि के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। और इसी तरह हम अभी अपने हाथ हिला रहे हैं तो इसे खतरा लग रहा है और ये अभी उसके अनुसार मूवमेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह घूम रहा है। चलिए इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। काफी प्यारा और सुंदर कोबरा है दोस्तों। तो आइए अब दूसरे सांप की तलाश करते हैं। दोस्तों फाइनली हमने पूरी तलाशी ले ली और सांप एक ही मिला। लोग बता रहे थे कि और बड़ा सांप भी है, लेकिन हम बताते हैं दोस्तों कि एक जगह दो कोबरा सांप बड़े और छोटे नहीं रहते हैं, क्योंकि बड़ा सांप यदि रहता है तो वो छोटे सांप को खा जाता है। तो ऐसे में यदि यहाँ छोटा सांप है तो बड़ा सांप होने की संभावना बहुत कम है। तो हो सकता है लोगों को थोड़ा सी गलतफहमी हो गई हो, सांप हो सकता है फन फैला कर बैठा हुआ हो, तो लोग समझ बैठे होंगे उसे कि बड़ा सांप है। चलिए कोई बात नहीं, हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसे ले जाकर हम लोग जंगल में रिलीज कर देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इस कोबरा को भी हम लोग पकड़ रहे हैं।